सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में बल्क लिस्टिंग कैसे करेंगे, बल्क शीट के ज़रिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में भरना है ताकि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एंड सेल्स में ग्रोथ आए। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, फ्लिपकार्ट में अमेज़न की तरह कोई ब्रांड ट्रेडमार्क इशू नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क चाहिए। आपको अगर फ्लिपकार्ट में अगर प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो आपको सिंपल एक अप्रूवल लेना पड़ता है। आप जिस भी ब्रांड नेम से, आपका खुद के ब्रांड नेम से अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर लेटर है, आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो एक ऑथराइजेशन लेटर एक देना पड़ता है फ्लिपकार्ट को, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज अमेज़न की तरह यहाँ पे ओपन है, कुछ कैटेगरीज में आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार अप्रूवल लेने के बाद वहाँ पे आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं, आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो है बल्क लिस्टिंग के ऊपर कि आप कैसे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। और एक बात दोस्तों, यूपीसी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करने के लिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर दे दीजिए या फिर इनवॉइस दे दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए फ्लिपकार्ट को आपके ब्रांड नेम से, तो आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। वो चाहे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, ओपन मार्केट प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रेशियस ज्वेलरी छोड़ के कोई भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में बिना ट्रेडमार्क के। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आप फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग कैसे करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको कि फ्लिपकार्ट में आप लिस्टिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, फिर वेरिएशन कैसे आप ऐड करेंगे, मीन्स वेरिएशन आप कैसे क्रिएट करेंगे, और एक स्मॉल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आप क्विकली लिस्टिंग कर पाए। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे लॉगिन कर ले। इसके बाद आपको लिस्टिंग टैब को क्लिक करना है, फिर आपको लिस्टिंग टैब में जाके माई लिस्टिंग पे क्लिक करना है प्रोडक्ट बल्क शीट डाउनलोड करने के लिए। फिर यहाँ पे आके देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग करके ऑप्शन है, लिस्टिंग में आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखिए क्रिएट न्यू लिस्टिंग है और बल्क अपलोड डैशबोर्ड, तो बल्क अपलोड डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो भी अपलोड किए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। और न्यू लिस्टिंग के लिए आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी सब, यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करना है आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप जो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के वक्त सिलेक्ट किए थे उस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में आप लिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जाके पहले अप्रूवल लेना होगा। पहले तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी से चेक कर लीजिए कि आपके पास अप्रूवल है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और डाउनलोड बल्क फाइल, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर कैटेगरी में जाके चेक कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी ओपन है आप उस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप यही है, आपके ब्रांड नेम पे ब्रांड अप्रूवल है या नहीं है ये पहले चेक करने के बाद फिर आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट बल्क शीट। वेरिएशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्लोदिंग टेम्पलेट यूज़ करूँगी और प्रोडक्ट यूज़ करूँगी टी शर्ट, जिसमें साइज़ और कलर दोनों वेरिएशन होता है। तो मैं यहाँ से कैटेगरी से क्लोदिंग टेम्पलेट डाउनलोड करूंगी। अभी यहाँ पे देखिए बल्क शीट ओपन करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल एडिटिंग, तो शीट में मैक्रोज इनेबल करने के लिए आपको इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना होगा। अभी देखिए शीट ओपन हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो शीट है वो है समरी शीट। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए स्टेप वन जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिटेल में यहाँ पे है। तो ये सारे गाइडलाइंस आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर,
फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर है, जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट में, वो लिस्ट होने के बाद फ्लिपकार्ट में एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नंबर एक जेनरेट होती है, या ऑटोमेटिक सीरियल नंबर से कह सकते हैं आप, तो उसे ही फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर कहते हैं, FSN। कभी भी आप अगर बात करेंगे फ्लिपकार्ट में सेलर सपोर्ट में, तो आपको FSN देना होगा। कोई प्रोडक्ट में अगर कोई इशू हो रही है, कोई प्रोडक्ट में अगर जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो फ्रंट एंड में नहीं दिखा रहा है, वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, तो आपको FSN देना पड़ता है। फिर इसके बाद देखिए QC स्टेटस। एक बार प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद वो QC चेक होती है, फिर QC वेरीफाई करते हैं, फिर आगे आपका प्रोडक्ट जो है लाइव होती है, ठीक है। इसके बाद है, अभी शीट में देखिए, ये शीट जो है टी शर्ट, अभी फर्स्ट ऑप्शन आई मीन फर्स्ट कॉलम देखिए, फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर है फर्स्ट, फिर QC स्टेटस, फिर QC फेल रीज़न, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट QC टीम फिल करती है। अब देखिए टू बी फिल्ड बाई फ्लिपकार्ट। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक, इसमें अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लिस्ट करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, तो आपको फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो देखिए जी कॉलम से आपको अपना प्रोडक्ट डेटा फिल करना है, ठीक है। अब फिर से मैं समरी शीट पे आती हूँ, अब देखिए अंडरस्टैंडिंग कलर कोड्स। आपको फ्लिपकार्ट का शीट जो है बहुत कलरफुल है, कलर इंडिकेट करती है क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या फिल करना है, कौन सी डेटा मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्रे सेल्स, ग्रे कलर का जो कलम है शीट में, वो आपको आप नहीं फिल कर सकते हैं, वो फ्लिपकार्ट फिल करेंगे, मतलब फ्लिपकार्ट का जो QC टीम है वो ही फिल करेंगे। उसमें अगर प्रोडक्ट का कोई QC फेल्ड हो रहा है, चेक करने के बाद अगर प्रोडक्ट का डेटा मिसमैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे QC फेल में आपका वो रीज़न के साथ भी आएगा। तो ग्रे सेल्स में जो भी है, ग्रे कलर का जो भी कॉलम है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट टीम ही फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्लू सेल। अभी ब्लू कलर का जो कलम होगा वो मैंडेटरी है, वो डेटा आपको फिल करना ही है, ठीक है। अगर आप नहीं फिल करेंगे और लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फेल्ड हो जाएगा शीट। इसके बाद देखिए ग्रीन सेल्स, ठीक है। ग्रीन सेल्स मतलब कि गुड टू हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब जो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग को और बेहतर कर सके, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट जो शीट है वो है इंडेक्स। इंडेक्स में आपको सारे डिटेल्स जो भी फिल करना है शीट में, वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक। जो ड्रॉप डाउन में भी आएगा, और कुछ डिटेल्स है जैसे मटेरियल, फिर कलर, पैटर्न, साइज, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे इंडेक्स में अवेलेबल रहेगा उसी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो बल्क शीट है वो फेल हो जाएगा। अभी चलते हैं, हमको जो शीट अभी फिल करना है, अभी सबसे पहले आपको फिल करना है SKU, ठीक है। SKU में आपको देना है कैसे, देखिए वेरिएशन कैसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके पहले आप SKU सही से क्रिएट करना होगा। SKU बनाने के लिए आपको अगर हेल्प चाहिए तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिस प्रोडक्ट के 3 साइज़ है और 2 कलर है, तो आप SKU कुछ ऐसे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड 2 कलर कम्बिनेशन है, ठीक है, और साइजेस जो अवेलेबल है मीडियम, लार्ज एंड, तो यहाँ पे मैंने SKU दे दी है। अभी आपको यहाँ पे ब्रांड नेम टाइप करना है, ठीक है, आपका जो भी ब्रांड नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। ब्रांड कॉलम पे आप ब्रांड नेम भर दीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप, तो टाइप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लिंक पे, तो यहाँ पे देखिए टाइप जो है आपको इसी में से सिलेक्ट करना होगा। टी शर्ट का टाइप क्या है, पोलो नेक है, राउंड नेक है, स्कूप नेक है, क्या है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए इंडेक्स फाइल से और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए ये पेस्ट हो गया और यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप ड्रैग करके बाकी सारे डिटेल्स भी भर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टाइल कोड, तो ये स्टाइल कोड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल्स भरेंगे
जैसे डिटेल्स आप भरते जाएंगे, तभी देखिए ये जो कॉलम्स है ये शो नहीं करेगा। ये देखिए, ये अभी देखिए फर्स्ट जो कॉलम आप अभी तक भरे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डिटेल्स को एक बार आप चेक करेंगे फिर उसके बाद भरेंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जैसे मैंने वीडियो शुरू होने के टाइम पे मैं बताई थी कि आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको आसानी होगा फ्लिपकार्ट शीट भरने के लिए, ठीक है, वो है कुछ और नहीं, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप देख रहे हैं उसके लिए आप एक नॉर्मल एक्सेल फाइल ओपन कीजिए। फिर नॉर्मल फाइल ओपन करने के बाद आप जो एसक्यू डिटेल्स भरे हैं यहाँ पे वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपको एक आइडिया हो गया ये है हमारा एसक्यूज जो आपको फिल करना है, ठीक है। फिर जो जो डिटेल्स है यहाँ पे देखिए, जैसे कि स्टाइल कोड, ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप इस शीट में जो जो डिटेल्स आपको भरना है या फिर आप पूरा ही कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये डिटेल्स आप आसानी से भर सकते। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर रहे हैं, टी शर्ट में ही जैसे कोई ऐसे है पैटर्न अलग है, ठीक है, कलर अलग है, पैटर्न अलग है, डिज़ाइन अलग है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें फ्लिपकार्ट में जब आप लिस्ट करते हैं बल्क शीट में तो ये सारी प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ में नहीं आता जो भी आपके प्रोडक्ट डिटेल्स आपको करके एसक्यू को चेक करके आपको भरना है फ्लिपकार्ट शीट में जो मैंडेटरी है, जो आपको या आपको जो डिटेल्स भरना है वही कॉलम किसी और शीट में वो सारे डिटेल्स को भरिए, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कॉपी करके शीट में पेस्ट कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, आपको आपको यहाँ पे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगा आप इसी शीट में, तो आपका सही डिटेल, सही प्रोडक्ट का सही डिटेल्स आपको बल्क शीट में आप भर पाएंगे। नहीं तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि एक एसक्यू के साथ दूसरे एसक्यू का डेटा जो है मिसमैच हो जाती है, तो ये ना हो पाए इसके लिए आप अलग शीट आप यूज़ कीजिए, फिर वो डेटा कॉपी करके यहाँ पे फ्लिपकार्ट बल्क शीट में पेस्ट कर दीजिए। सब सारे कॉलम्स को करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो कॉलम्स में आपको एसक्यू को चेक करके फिलअप करना है डिटेल्स वही सारे कॉलम्स को आप दूसरे किसी एक्सेल में आप पहले डिटेल्स को भरिए, फिर वहाँ से कॉपी करके फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट शीट में भरिए। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट में आपको स्टाइल कोड देना पड़ता है हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, स्पेशली अगर वो प्रोडक्ट का वेरिएशन हो, ठीक है, जैसे कि टी शर्ट में देखिए एक टी शर्ट का 3 साइजेस है, तो 3 साइजेस के लिए आपको स्टाइल कोड सेम होगा, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट का अगर कोई और कलर है वो दूसरे कलर के लिए आपको स्टाइल कोड चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ एग्जांपल के साथ। सो यहाँ पे देखिए ब्लू टी शर्ट है जिसका साइजेस अवेलेबल है मीडियम लार्ज एक्सेल, और रेड टी शर्ट है जिसका भी सेम साइजेस अवेलेबल है और कलर 2 है इस प्रोडक्ट का, ब्लू और रेड, ठीक है। तो स्टाइल कोड क्या होना चाहिए, स्टाइल कोड सपोज अभी देखिए स्टाइल कोड अगर BL100 है तो ये सेम होगा ऑल साइजेस के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे ये शर्ट का कलर चेंज हो गया यहाँ पे रेड हो गया तो यहाँ पे हमें स्टाइल कोड जो है डिफरेंट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं ID100 में स्टाइल कोड दे रही हूँ तो ये स्टाइल कोड फिर बाकी साइजेस के लिए सेम होगा। तो ये है स्टाइल कोड, अगर आपके प्रोडक्ट में साइज वेरिएंट है तो आपको स्टाइल कोड कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है, मतलब स्टाइल कोड हर साइजेस के लिए सेम हो, अलग कलर के लिए डिफरेंट होगा। फिर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और शीट में पेस्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट है साइज, साइज में अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो आप यहाँ एक्सेल में जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न, तो पैटर्न देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है देखिए यूज फॉर टाइटल और रिफाइनर, ठीक है,
तो ये आप पैटर्न जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वो आपके प्रोडक्ट टाइटल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे पैटर्न हैं, ठीक है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अभी नेक्स्ट देखिए कलर ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट का कलर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डबल कॉलन देके दूसरे कलर जो है वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंगल एक कलर आप ऐसे डालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फैब्रिक, फैब्रिक भी देखिए यूज फॉर टाइटल, तो ये यहाँ पे आप जो भी फैब्रिक देंगे वो प्रोडक्ट टाइटल में आएगा, ठीक है। तो फैब्रिक भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल है इसी में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सपोज ये है पॉलिएस्टर, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद देखिए ब्रांड कलर, ब्रांड कलर और कलर में क्या डिफरेंस है, कलर जो है वो आपको देखिए यहाँ पे लिंक है, लिंक से ही आपको फिल करना है, ठीक है। ब्रांड कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सपोज एक्वा ब्लू है, ठीक है, प्रोडक्ट कलर, तो आप ब्लू डाल दीजिए कलर में और ब्रांड कलर दीजिए जो आपको ठीक लगे, तो आप यहाँ पे एक्वा ब्लू डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए आइडियल फॉर है, तो आइडियल फॉर में भी आपका जो यहाँ पे मेन एंड वुमेन्स बोथ के लिए है जो भी है आइडियल फॉर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सिलेक्ट करना है स्लीव, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है तो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ओकेशन, ओकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कैजुअल है, पार्टी है, फॉर्मल है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पैक ऑफ वन और टू ये मेंशन करना है, आप कॉम्बो दे रहे हैं तो कॉम्बो डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर होगा, ठीक है। देखिए पैक ऑफ रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स, आपको मेन प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं पैकेज में वो डिटेल्स आपको भरना है। तो अगर आप पैकेज में दो टी शर्ट दे रहे हैं तो दो यहाँ पे आपको देना है पैक ऑफ, नहीं तो आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक देना है, ठीक है, सिर्फ एक, वन टी शर्ट नहीं, सिर्फ एक पैक ऑफ में, ओनली नंबर्स। फिर इसके बाद देखिए ब्रांड फिट, तो ब्रांड फिट आप फिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फैब्रिक केयर, इसमें भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हैंड वॉश या मशीन वॉश जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं कॉलम देके। फिर नेक्स्ट कॉलम आपको फिल करना है फिट, फिट मतलब कि प्रोडक्ट का जो एग्जैक्ट फिट है, रेगुलर फिट है या लूज फिट है या स्लिम फिट है, वो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे लिंक देना है प्रोडक्ट का, लिंक प्रोडक्ट इमेज लिंक, ठीक है। अभी इमेज लिंक के लिए आप बहुत से वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, फोटो बकेट को यूज़ कर सकते हैं, फिर ड्रॉप बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इमेज लिंक साइट है, आप सिंपल गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं इमेज लिंक क्रिएट साइट, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ग्रुप आईडी, ठीक है, जैसे आपका एक टी शर्ट का साइजेस भी है, कलर भी है, एक टी शर्ट का सपोज थ्री और फोर कलर्स है, फ्लिपकार्ट फ्रंट एंड में एक ही साथ सारे प्रोडक्ट्स को कलर साइजेस के साथ एक साथ क्लब करके आपको दिखाना है, तभी आपको ग्रुप आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना हो। तो स्पेशली वेरिएंट्स के लिए कोई प्रोडक्ट का वेरिएंट है कलर और साइजेस, ठीक है, तो ठीक है एक ही ग्रुप आईडी आपको कलर और साइजेस दोनों के लिए देना है। ये ग्रुप आईडी एक और शीट में मैं यहाँ पे ग्रुप आईडी क्रिएट कर रही हूँ। तो देखिए ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट सब एक ही पैटर्न के प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही पैटर्न के प्रोडक्ट है लेकिन कलर अलग है और साइजेस है, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रुप आईडी क्या देना है, सेम देना है, ग्रुप आईडी सबके लिए सेम होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे स्टाइल कोड देखिए डिफरेंट हो रहा है, ग्रुप आईडी सेम हो रहा है एक ही पैटर्न के वेरिएशन के लिए, ठीक है, यही डिफरेंस है स्टाइल कोड एंड ग्रुप आईडी में, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप कॉपी कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप आईडी। अगर डिज़ाइन चेंज हो रहा है तो याद रखिएगा, डिज़ाइन और पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो वो अलग ग्रुप आईडी होगा, वो एक के साथ क्लब नहीं होगा, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक ये हो भी जा रहा है, जैसे क्यूसी टीम काफ़ी टाइम अप्रूव कर देती है दूसरे यूनिक डिज़ाइंस भी, किसी यूनिक डिज़ाइन में
ओवरलैप हो जाती है, मतलब एक ही साथ वो दिखाने लगता है, तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही हट जाता है वेबसाइट से। तो आप ग्रुप आईडी एंड स्टाइल कोड क्रिएट करने के बाद बहुत ध्यान से आप क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल प्रोडक्ट, अगर रिवर्सिबल है तो आप येस या नो कर दीजिए। देन यहाँ पे डिटेल्स भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अगर डिटेल्स और ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल रहेगा वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है, कोई और फीचर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स पैकेज। सेल्स पैकेज में आपको एक अगर प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं आप तो वन टी शर्ट। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भरना है। ज़्यादा आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ अलग से मत भरिएगा, जो आपका प्रोडक्ट है वही आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भरिए, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन भरने के कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे भरना है। इसके लिए आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट को ओपन कीजिए। सपोज आपके प्रोडक्ट जो है वो टी शर्ट है, प्रिंटेड टी शर्ट, तो आप यहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट टाइप कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा प्रिंटेड टी शर्ट फॉर लेडीज, प्रिंटेड टी शर्ट सुपरमैन, प्रिंटेड टी शर्ट फुल स्लीव। तो यहाँ पे जो आपको सही लगे वो आप यहाँ से चूज कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो सर्च में जो दिखा रहा है पोटेंशियल कीवर्ड्स जो आपको देना है, ठीक है। अभी देखिए सपोज मेंस प्रिंटेड टी शर्ट, तो ये यहाँ से आप कॉपी करके आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको और भी कीवर्ड्स देना है तो फिर से आप डबल कॉलन डाल के आप दूसरे कीवर्ड्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और भी आप सर्च कर सकते हैं सिर्फ मेंस टी शर्ट। अब देखिए मेंस टी शर्ट विद कॉलर, मेंस टी शर्ट कॉम्बो पैक, ये भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। मेंस टी शर्ट आप हाफ स्लीव भी देख के देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए मेन टी शर्ट हाफ है, मेन टी शर्ट हाफ टी शर्ट वी नेक है, तो आप ये भी यहाँ पे यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप और भी प्रिंटेड टी शर्ट, सिर्फ प्रिंटेड टी शर्ट, फिर ऐसे आप बहुत से कीवर्ड्स और भी आप डाल सकते हैं। मिनिमम आप 10 से 15 कीवर्ड्स ऐसे फ्लिपकार्ट से ढूंढ के आप सर्च कीवर्ड्स में डालिएगा तो आपके लिस्टिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके ज़्यादा फ्लिपकार्ट अलाउ नहीं करती है। फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी अलग अलग आप कीवर्ड्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट में दीजिए, फिर दूसरे प्रोडक्ट में आप कुछ और कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है की फीचर्स, ठीक है। की फीचर्स जो है आपको ये यहाँ पे हाइलाइट्स में शो करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइलाइट्स में जो शो करता है तो वो प्रोडक्ट डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे अगर की फीचर्स नहीं देंगे तो वो वहाँ पे नहीं आएगा, डिटेल्स जो है यहाँ पे नहीं आएगा हाइलाइट्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे की फीचर्स देना है, क्या आपको देना है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट है प्रिंटेड, ठीक है, तो आप प्रिंटेड डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट है सॉलिड तो आप सॉलिड दे सकते हैं, ठीक है। फिर डबल कॉलन देके आप और भी डिटेल्स भर सकते हैं, और भी डिटेल्स जैसे कि हाफ स्लीव है ये, ठीक है, तो हाफ स्लीव आप दे दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या आप दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, लेकिन कलर ऐसे ही शो कर रहा है तो आप कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप और क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं, ओकेशन दे सकते हैं, ठीक है, ओकेशन है कैजुअल, ठीक है। फिर और अगर आपका प्रोडक्ट प्रिंटेड है तो प्रिंट का जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे डिज़ाइन है, सपोज सुपरमैन का डिज़ाइन है, तो आप यहाँ पे सुपरमैन डाल दीजिए, सुपरमैन डिज़ाइन या सुपरमैन प्रिंट, ठीक है, या फिर प्रिंटेड सुपरमैन, ऐसे आप फीचर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से ट्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल ओवर प्रिंटेड है, बैक प्रिंट्स है, तो यहाँ से आप सपोज 3D प्रिंट्स है, तो आपके टी शर्ट पे अगर 3D प्रिंट्स है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सूटेबल फॉर पे वेस्टर्न वेयर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रिंट कवरेज क्या है, फुल है, हाफ है, क्या है, बैक में है, ऑल ओवर है, ये भी आप यहाँ से चेस्ट में सिर्फ है, प्रिंट कवरेज में चेस्ट आप डाल दीजिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका शीट जो है प्रोडक्ट शीट कंप्लीट हो गया है, सारे इन्फॉर्मेशन आप भर दिए हैं, ठीक है। अभी आपको जो करना है, देखिए सेकेंडरी कलर भी अगर है आपका कोई प्रोडक्ट का, सपोज 3-4 कलर है, आपने मल्टी कलर नहीं डाल के सिर्फ 2 कलर दिए हैं कलर में, तो अब यहाँ पे सेकेंडरी कलर भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। अभी देखिए टी लेंथ, टी शर्ट का जो लेंथ है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग है, मीडियम है, शॉर्ट है। फिर आप ये शीट को सेव कर दीजिए। बल्क शीट को सेव करने के बाद आपको अभी करना है अपलोड, ठीक है। अभी अपलोड कैसे करेंगे, पैनल में जाके आप लिस्टिंग टैब में जाके माय लिस्टिंग में क्लिक करेंगे, ये ऐड न्यू लिस्टिंग में आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये ऑप्शन दिखेगा बल्क अपलोड डैशबोर्ड, फिर बल्क अपलोड डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अपलोड कैटलॉग, ठीक है। तो अपलोड कैटलॉग पे आपको क्लिक करके फिर आपको चूज करना है फाइल, चूज करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये शीट जो है वैलिडेट होगा। अब देखिए यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा वैलिडेशन का रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे पास्ट रोज है और फेल्ड रोज भी है, तो आपको अगर कोई डिटेल्स अगर आप नहीं भरे हैं या रॉन्गली इनपुट किए हैं तो आपको यहाँ पे फेल्ड रोज में आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो डाउनलोड शीट करके आपको करेक्ट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अगर कोई एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए देयर आर नो एरर्स, तो आप अभी क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं शीट को। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेंड फॉर क्वालिटी चेक, और यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट भी आप करके देख सकते हैं। कुछ रॉन्ग यहाँ पे रहेगा तो सेंड फॉर क्वालिटी चेक नहीं आके सिर्फ डाउनलोड रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंड फॉर क्वालिटी चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिटी चेक पे क्लिक करने के बाद आपको आप माई लिस्टिंग में जाके बल्क अपलोड डैशबोर्ड से देख सकते हैं। तो आपको बल्क अपलोड डैशबोर्ड से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करेगा, देखिए जैसे क्लोदिंग में आपको टी शर्ट कैटेगरी में आप लिस्ट किए हैं तो टी शर्ट करके यहाँ पे आएगा कैटेगरी। यहाँ पे देखिए फीड आईडी आ रहा है, तो ये है आपका फीड आईडी जो आपने लिस्ट किए हैं, लिस्ट आईडी है, ठीक है। ये देखिए स्टेटस है क्यूसी प्रोसेस्ड, और यहाँ से देखिए एक्शन में देखिए राइट हैंड साइड में डाउनलोड ऑप्शन है। अगर यहाँ पे क्यूसी प्रोसेस में जो भी है आपका फेल हुआ है, प्रोडक्ट आया है नहीं आया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आपको पता चलेगा अगर क्यूसी फेल्ड किया है तो क्या वो रीज़न है, वो रीज़न भी आप देख सकते हैं शीट में, ठीक। फिर अगर आप सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया तो फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि लिस्टिंग में जाके देखिए नॉन लाइव सेक्शन है, ठीक है, का प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तब ये लाइव सेक्शन में आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नॉन लाइव में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यूसी वेरीफाइड है तो आपको यहाँ पे रो वाइज आपको शो करेगा। तो क्यूसी वेरीफाइड होने के बाद यहाँ से आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और अप्रूव एंड स्टार्ट सेलिंग करना है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आप MRP या सेलिंग प्राइस या डिस्पैच टाइम कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हैं इस शीट में, सिर्फ आप प्रोडक्ट डिटेल्स भरे हैं। तो प्रोडक्ट्स आप सबसे पहले आपका नॉन लाइव सेक्शन में आएगा। प्रोडक्ट आने के बाद आप एक साथ सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ ऑल पेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स है एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज 100 प्रोडक्ट्स है तो 100 प्रोडक्ट्स ही सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट डाउनलोड आप जब करेंगे यहाँ पे यह मैसेज आएगा फाइल डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके बाद देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। अब देखिए लास्ट रिक्वेस्टेड फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर आ गया है, आपका सब कैटेगरी आ गया है, प्रोडक्ट टाइटल आ गया है, एरर्स नहीं है। फिर आपको यहाँ पे जो भरना है MRP भरना है, सेलिंग प्राइस भरना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे भरना है देखिए लोकल डिलीवरी चार्ज, अगर आप चार्ज कर रहे हैं अलग से शिपिंग चार्जेस तो आपको यहाँ पे लोकल के लिए अलग भरना है, जोनल के लिए भरना है, इंटरनेशनल के लिए भरना है, ठीक है। आप सेम भी रख सकते हैं, सपोज 30 रुपीज़ आप रख रहे हैं तो 30 30 30 आप रख सकते हैं लोकल जोनल एंड नेशनल डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है योर स्टॉक काउंट, अगर आपका 50 क्वांटिटी है तो 50 डाल दीजिए। प्रोक्योरमेंट SLA आप 2 दिन चाहिए 1 दिन चाहिए, तो 1 या 2 के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 4 आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, सबसे ज़्यादा है 2, सबसे कम है 1, ठीक है, तो आप 2 दिन सिलेक्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद लिस्टिंग सेटअप्स आप यहाँ से एक्टिव मतलब एक्टिव करने के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है। अब पैकेज लेंथ आपको भरना है, तो आपको सेंटीमीटर में भरना है लेंथ, पैकेज का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, तो ऐसे आप भर दीजिए। फिर पैकेज वेट आपको भरना होगा, पैकेज का वेट क्या होगा अप्रोक्स जी आपको केजी में डालना है, 300 ग्राम्स अगर है तो आपको 0.3 kg डालना है, ठीक है, केजी नहीं डालना है, सिर्फ नंबर्स डालना है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट टाइप आप इंस्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है
हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, मतलब आपको यहाँ से एच, यहाँ पे एचएसएन नंबर देना होगा, ठीक है? आपको टी शर्ट का एचएसएन नंबर यहाँ पे देना होगा। फिर आप ये शीट को, क्यूसी वेरीफाइड शीट को आप सेव कर दीजिए। अब देखिए, एक राइट हैंड साइड में एक और एक ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल। तो अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है और क्यूसी वेरीफाइड जो शीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? अपलोड होने के बाद आप रिफ्रेश कीजिएगा पैनल को, तो यहाँ पे लाइव में आपको शो करने लगेगा। एक बार आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपको नॉन लाइव में आके चेक करना है। माई लिस्टिंग में जाके आप नॉन लाइव चेक कर सकते हैं। नॉन लाइव में अगर प्रोडक्ट आपका शो नहीं कर रहा है तो मतलब आपका क्यूसी प्रोसेस फेल हो गया है, ठीक है? तो आप क्यूसी फेल जो शीट है वो आप डाउनलोड करके फिर से करेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली 24 to 48 आवर्स लगता है प्रोडक्ट को प्रोसेस होने में नॉन लाइव सेक्शन तक आने के लिए, ठीक है? और उसके बाद नॉन लाइव सेक्शन में जब आपको प्रोडक्ट शो करने लगेगा, आपको प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना है ऐसे ही, प्रोडक्ट को डाउनलोड करके। एक साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट को एक साथ डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप क्यूसी वेरीफाइड शीट को सही से डेटा फिल करके, वेट और बाकी सारे डिटेल्स भर के आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो नॉन लाइव से वो लाइव सेक्शन में आएगा। तो ये था दोस्तों फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग प्रोसेस। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी डाउट्स था फ्लिपकार्ट लिस्टिंग को लेके, सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है या आप कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मैं अपडेट आपको देना चाहूँगी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमें इम्पोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि इम्पोर्ट कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हम बहुत जल्दी आप सबके लिए वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे आप इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट, वो भी हमारे रियल एग्जांपल के साथ। हमने कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं रिसेंटली, मतलब प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप मैन्युफैक्चरर से बात कैसे करेंगे, नेगोशिएट कैसे करेंगे, ठीक है? फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट के लिए, वो सारे डिटेल्स उस वीडियो में रहेगा। तो आपका जो भी डाउट्स है बहुत हद तक वो क्लियर हो जाएगा और इम्पोर्ट आप कर सकते हैं इजीली। तो वो सारे डिटेल्स एंड उसमें जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।